दोस्तों 1952 में दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के ओलेरोन शहर के बाहर लोग खेतों में अपना काम कर रहे थे कि अचानक ही उन्होंने एक अजीब सी चीज आसमान में उड़ते हुए देखी। वो धीरे धीरे शहर की तरफ जा रही थी और उसे बहुत से नामी लोगों ने भी देखा। वो उड़ते हुए सीधे एक लोकल कॉलेज की तरफ जा रही थी। ईव ब्रूजों अपने कॉलेज के हेड थे और वो दोपहर का भोजन करने कॉलेज कैंपस में ही अपने घर जा रहे थे। उनकी वाइफ भी एक टीचर थी और उनके 3 बच्चे। टेबल पे खाना लगने के बाद वो अपने बड़े बेटे जों को वहां बुलाते हैं, लेकिन वो खिड़की से बाहर किसी चीज को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने पिता को बुलाया और उन दोनों ने देखा कि एक सिलेंड्रिकल शेप की चीज हवा में कॉलेज के ऊपर तैर रही थी। धीरे धीरे वो चीज कैंपस के बीचों बीच पहुंच गई और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई और उन्होंने देखा कि उसमें से दो छोटी छोटी सी चीजें निकाली हैं। उन्हें खिड़की से एक अच्छा व्यू मिल रहा था, लेकिन वो चीजें थोड़ी दूर थीं, तो ईव बायनोकुलर ले आए और उन्हें ध्यान से देखने लगे। तभी उस बड़ी चीज से कुछ निकला, वो मकड़ी के जाले जैसा था और वो आसपास गिरने लगा। ये देख उनका परिवार बाहर आ गया और उन्हें लगा कि वो सफेद धुआं है, लेकिन वो धुएं की तरह हवा में ऊपर न जाते हुए स्कूल की ग्राउंड में गिर रहा था। उन्होंने उस मैदान में जाने की सोची और वो अकेले ही नहीं थे जो इस घटना को देख रहे थे, उस कॉलेज के बहुत से लोग वहां पहुंच गए थे। वो चीज काफी चमक रही थी और ये पदार्थ नीचे फेंक रही थी। ये पदार्थ सॉलिड था और नायलॉन फाइबर जैसा लग रहा था। वैसे वो लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि पढ़े लिखे होने के कारण वो उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक टीचर ने एक डंडे के किनारे उस पदार्थ को लगा के उसमें आग लगा दी और वो सेलोफेन की तरह जलने लगा। कुछ लोग इसके सैंपल्स कलेक्ट करने लगे, लेकिन ये ऐसा पदार्थ था जो समय के साथ खुद ब खुद नष्ट हो जाता था। वैसे ये उस जगह ज़्यादा देर नहीं रहा और उस चीज़ के वहां से जाते ही ये पदार्थ भी धीरे धीरे गायब होने लगा और आखिरकार पूरा ही गायब हो गया। बुजों परिवार और स्कूल के बाकी लोग इस घटना से हैरान परेशान हो गए। साइंटिस्ट ऐसे पदार्थ को एंजल हेयर कहते हैं और उनके हिसाब से ये तब बनता है जब आयोनाइज्ड हवा एक चुंबकीय क्षेत्र से टकरा के दूर जाती है या अतिरिक्त ऊर्जा मैटर में बदल जाती हो। वैसे एंजल हेयर की घटनाएं काफी विरली होती हैं। सबसे ताजा उदाहरण 2014 में श्रीलंका में हुआ था। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।